सो आज की वीडियो में हम लोग लाइट पास के मिशन के बारे में बात करेंगे। गाइज मैं सीजन 23 का सारा मिशन फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। यहाँ पर जो मिशन हार्ड होता है उसका इजीली टिप्स बताऊंगा कि आप लोग कम से कम समय में काफ़ी ज़्यादा बैच कैसे कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। गाइज तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेतरन मिशन के ऊपर। तो गाइज ये मिशन सबको मिलता है, जो एलाइट पास लेते हैं उनको भी मिलता है और जो एलाइट पास नहीं लेते हैं उनके लिए भी ये मिलता है। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं इसमें गाइज बहुत सारा मिशन है देख लो। तो गाइज आपको सब कंप्लीट करना पड़ेगा। एक अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 5 बैचेस मिलता है। तो गाइज बहुत इजी मिशन है इसमें, तो मैं आपको एक एक करके आपको समझा देता हूँ कि आप लोग मतलब कैसे उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे ऊपर में उसमें आपको क्या करना है, सिंगल मैच खेलना है क्लासिक मोड और आपको 1200 डैमेज देना है कोई भी गन से गाइज हो जाएगा, ठीक है। और गाइज बात करते हैं क्लासिक मोड में आपको 15 किल करना है स्नाइपर के साथ, सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी कर सकते हो। और सिंगल मैच में आपको क्या करना है, 5 मेडकिट लगाना है, ठीक है। और 14 प्लेयर विद ग्रेनेड लॉन्चर से किल करना आपको कोई भी मोड में, क्लासिक मोड होना चाहिए। और 14 आदमी को आपको क्या करना है, ग्रेनेड लॉन्चर से मारना है, सोलो स्क्वाड डुओ किसी में मार सकते हो, ठीक है। इन क्लासिक मोड टेक आउट 10 UAV, तो आपको ये क्या करना है, जो गेम में ड्रोन आता है ना पीला कलर का, उसको आपको 10 को आपको क्लासिक मोड में डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, आपको टॉप 10 आना है विदाउट एनी किल, तो आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा गाइस क्लासिक मोड में है, ठीक है। अगर रैंक में आपका आता है तो सही है, आपका आराम से हो जाएगा। अगर क्लासिक में आप लोग अगर करना चाहते हो गाइस तो आपको 10 किल करना पड़ेगा, टॉप 10 आना है विदाउट एनी किल, ठीक है। 5 बार करना है ये आपको मिशन। और कोई भी गेम में आपको क्या करना है गाइस, क्लासिक मोड होना चाहिए। कोई भी गेम में आपको लेवल 4 का मशरूम खाना है 15 टाइम। और उसके बाद बात करते हैं क्लासिक मोड किल 20 प्लेयर फ्रॉम लास्ट 65 अवे, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट रेंज का फाइट लेना है, ठीक है। आपको 20 किल करना है क्लासिक मोड में। और रैंक में डुओ खेलना आपको, और टॉप 10 आना है, टॉप 3 आना है 10 टाइम, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आपको प्रोन एंड डिफीट 10 प्लेयर इन क्लासिक मोड, तो गाइस आपको क्या करना है, 100 के 10 प्लेयर को मारना है, ठीक है। और उसके बाद गाइज बात करते हैं डील 7500 डैमेज यूजिंग शॉर्ट गन इन क्लासिक मोड, तो आपको शॉर्ट गन से क्लासिक मोड में आप लोग 7500 डैमेज देना है, तो ये बहुत इजी से हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब क्या करना है, इन क्लासिक मोड किल 25 प्लेयर विद द हेड शॉट यूजिंग असॉल्ट राइफल इन एनी मोड, तो आपको क्या करना है, क्लासिक मोड में जाना है और 25 प्लेयर, तो गाइज आपको प्रिसाइजन स्कोप कर लेना है और कोई भी AR का गन ले लेना है, ठीक है गाइज। तो आप लोग AK SCAR कुछ भी ले सकते हो, उसमें 4x लगा दो, SKS बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें पहले से 4x रहता है। आपको क्या करना है, मिला के हेडशॉट मार देना 25 जन को, तो हो जाएगा आपके कंप्लीट। और सिंगल मैच इन क्लासिक मोड इन स्क्वाड रिवाइव समवन जो मेल कैरेक्टर 3 टाइम, तो आपको क्या करना है, सिंगल स्क्वाड मैच में आपको क्या करना है, सिंगल आदमी एक बंदे को 3 बार रिवाइव करना है, ठीक है। उसको बोलना है बार बार लाल सिलेंडर से ऑयल बेलर से अपने आप को डैमेज दे दे और आपको उसको बार बार रिवाइव कर देना है, ठीक है, 3 बार करना है। इन रैंक मोड ज्वाइन 4 मैन स्क्वाड एंड किल 30 प्लेयर, अगर आप लोग का लीग कम है तो आप लोग सोलो बस स्क्वाड खेल के 30 किल कर सकते हो आराम से। बुया 14 टाइम इन क्लासिक मोड, तो गाइज आपको 14 बार बुया करना है क्लासिक मोड में, तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। सोलो स्क्वाड डुओ किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने एलाइट पास के मिशन के बारे में। तो गाइज एलाइट पास का मिशन में गाइज बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो एलाइट पास अपडेट करता है उनके लिए फ्री में नहीं मिलता है, तो गाइज इसमें भी बहुत सारा मिशन, इसमें गाइज 8-8 करके आपको बैच मिलता है, तो बहुत मतलब अगर आप लोग एलाइट पास अपडेट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा बैच हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके मिशन में कि कौन कौन सा मिशन है, ठीक है। इन क्लासिक मोड किल 35 प्लेयर विथ सब मशीन गन, तो आपको MP40 UMP गाइज SMGM वाला जितना गन है ना उससे आपको 25 किल करना है क्लासिक मोड में, सोलो स्क्वाड डुओ किसी में भी कर सकते हो। स्पिन 20 टाइम इन लक रॉयल, तो आपको लक रॉयल में 20 बार स्पिन करना है, गोल्ड रॉयल में कर देना 20 बार। इन क्लासिक मोड वियर द गुल्ली बूस एंड टेक आउट 13 एनिमी, तो आपको क्या करना है गाइज, ये है इसको आपको पहन के आपको मतलब 13 किल करना है, ठीक है, क्लासिक मोड में। ईट 45 मशरूम इन एनी मोड, तो आपको क्या करना है, मशरूम खाना है गाइज, तो आपको इसके ऊपर गाइज थोड़ा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मैप में आपको ज़्यादातर मशरूम गाइज आप गाड़ी ले लेना और जहाँ जहाँ मशरूम रहता है वहाँ वहाँ जाकर मशरूम खा लेना, ठीक है। आपको थोड़ा डैमेज भी होना पड़ेगा, इसलिए ग्रेनेड उनेट रख लेना, लैंडमाइन ये सबसे डैमेज होके आप एक मैच में भी कर सकते हो, ठीक है। यूज़ बॉन फायर 13 टाइम इन क्लासिक मोड, तो आपको गाइज क्या करना है, बॉन फायर लेके जाना है और गाइज आपको क्या करना है, जैसे बॉन फायर रेडियो करना वैसे लगा देना है, ठीक है, नहीं तो बाद में अगर आप लोग मर जाओगे तो गाइज बेकार हो जाएगा, फिर आपका मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप लोग ऐसा ही करना, 13 बार लगाना है क्लासिक मोड में, कोई भी मैच में लगा सकते हो सोलो स्क्वाड डुओ। इन क्लासिक मोड यूज सब मशीन गन टू डील 8000 डैमेज, तो गाइज आपको फिर से वही आ गया, SMGM से गाइज 8000 डैमेज देना है। तो गाइज बहुत सारा मिशन सेम है,
इन क्लासिक मोड यूज अ इमोट 18 टाइम विद 5 सेकेंड आफ्टर किलिंग अ प्लेयर। तो आपको जैसे क्लासिक मोड में आप कोई भी नुबरे को मारोगे तो गाइज फटाक से मारना, फटाक से इमोट दिखाने लगाना, ठीक है। इससे आपका लाइक भी मिलेगा और गाइज आपका इवेंट भी कम्प्लीट हो जाएगा। डिफीट 38 प्लेयर इन रैंक मैच, तो आपको रैंक मैच खेलना है गाइज और 38 प्लेयर को आपको मतलब मार देना है इन रैंक मैच, डील 12,000 डैमेज। तो गाइज आपको क्या करना है, रैंक मैच खेलना है गाइज, आपको 12,000 डैमेज देना। अगर आप लोग सोलो बस स्क्वाड खेलते हो तो गाइज बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रेवल 18,000 मीटर ऑन फुट इन क्लासिक मोड, तो आपको क्लासिक मोड में क्या करना, अपने कैरेक्टर को पूरा गोल गोल घुमाना है, ठीक है, मैप में। तो आपका बहुत जल्दी मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इन क्लासिक मोड रिवाइव सोमन 18 टाइम, तो आपको क्या करना है, डुओ खेलना है गाइज और अपना प्लेयर को क्या मिल में ले जाना गाइज। मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। वो बार बार नॉकडाउन होगा, आप बार बार रिवाइव कर देना उसको गाइज 18 बार, तो बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है, एक ही मैच में हो जाएगा। और गाइज क्या करना है, भुया 7 टाइम इन क्लासिक मोड, तो आपको 7 बार क्लासिक मोड में भुया करना है गाइज कोई भी मैच में, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, और अगर आप लोग मिशन कुछ कंप्लीट करते हो तो गाइज देखो ऊपर में स्पेशल चैलेंज लिखा हुआ है, तो गाइज ये सब लॉक दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइज आपका मतलब ये भी अनलॉक हो जाएगा जब आपका मतलब 9 को अगर आप यहाँ से मिशन कंप्लीट कर देते हो तो गाइज एक्स्ट्रा बैज भी मिलेगा, तो यहाँ का भी मिशन ईजी होता है, तो गाइज वो भी आराम से कर सकते हो। और गाइज आप बहुत कम समय अगर आप अभी से अगर मेहनत करोगे तो गाइज 2 दिन के अंदर में आपका गाइज पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा 2 दिन के अंदर में, ठीक है गाइज, मतलब आपको मैं बैच दिखा दूंगा अपना। मैंने तो लाइट पास अपडेट नहीं किया, फिर भी मैं सिर्फ बरतना का करूंगा। अगर आप लोग दोनों अपडेट कर देते हो ना गाइज, एलाइट पास अपडेट कर देते हो, तो आपका बहुत जल्द मिशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो वेतेरन का है और एलाइट का गाइज चैलेंज मतलब थोड़ा सा मतलब मिलता है, ठीक है, आपस में मिलते जुलते रहता है। तो गाइज आप अगर एक कंप्लीट करने जाओगे तो आप देखोगे कि 4 या 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, सिर्फ इसमें हार्ड गाइज एक ही है ग्रेनेड लॉन्चर वाला, तो गाइज उसके लिए भी आपको गाइज मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइज वीडियो को शेयर कर देना कि सभी भाइयों के पास पहुंच जाए और सबको अपना अपना बैच बना ले, ठीक है गाइज। जो लोग लाइट पास अपडेट नहीं करते उन्हें पता तो चलना चाहिए कि वो बिना लाइट पास का भी 250 बैच कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको फटाफट मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद डेली में जो मिलता है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है भाई लोग, आई लव यू गाइज। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.